स्वागत है। आज अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर को कंटिन्यू करेंगे। पिछली क्लास में अपन ने एटम के बारे में बेसिक पढ़ा था। एटम के बारे में पढ़ा था कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने की। तो मैंने बताया इलेक्ट्रॉन की खोज जे.जे. थॉमसन ने की थी, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक नाभिक में पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन एक निश्चित पथ में चक्कर लगा रहा होता है। आज अपन इनको डिटेल से पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो है उसका श्रेय जाता है जे.जे. थॉमसन को। इलेक्ट्रॉन की खोज जे.जे. थॉमसन के साथ फैराडे और विलियम क्रुक्स ने भी की थी। फैराडे और विलियम क्रुक्स और थॉमसन ने मिलकर एक डिस्चार्ज ट्यूब बनाई। डिस्चार्ज ट्यूब क्या होती है बच्चों? इसके अंदर एक कांच की नलिका होती है। इस कांच की नलिका की लंबाई 60 सेंटीमीटर के लगभग थी, यानी कि ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है ये कांच की बनी होती है और इसकी लंबाई कितनी है? 60 सेंटीमीटर। इसके अंदर दो मेटल के क्या होते हैं? इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, यानी कि एक इलेक्ट्रोड नेगेटिव चार्ज जिसे कैथोड कहा जाता है और दूसरा इलेक्ट्रोड पॉजिटिव चार्ज यानी कि उसे एनोड कहा जाता है। इस ट्यूब के अंदर गैस फिल की हुई होती है और एक वैक्यूम पंप लगा हुआ होता है। ये जो वैक्यूम पंप होता है ये इस गैस के प्रेशर को मेंटेन करने के लिए काम में आता है, तथा ये जो होता है हाई वोल्टेज का एक क्या लगा दिया जाता है? वोल्ट मीटर लगाते हैं, यानी कि हाई वोल्टेज कितना? लगभग 10,000 वोल्ट का क्या लगा दिया जाता है? हाई वोल्टेज लगाया जाता। अब इस जो ट्यूब है इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं हो रही, इसको देखने के लिए क्या लगाया गया? आमीटर लगाया गया, और यह इसको नाम दे दिया एक डिस्चार्ज ट्यूब, यानी कि एक विसर्जन नलिका। इसको विसर्जन नलिका भी कहते हैं, यानी कि डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं। अब बात करते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई इसमें। तो इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई कि जैसे इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की गई, तो विद्युत धारा ऐसे गैसों में विद्युत धारा यानी कि ये जो गैस होती हैं ये विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करती, पर इसके लिए क्या किया गया? जैसे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको 10^-4 किया गया और हाई वोल्टेज लगाया गया। इस प्रेशर और इस वोल्टेज पे क्या हुआ? इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह होने लग गई, और वो जो विद्युत धारा प्रवाह हुई वो इस कैथोड से और एनोड की तरफ प्रवाहित हुई। तो जे.जे. थॉमसन ने पता लगाया कि ये जो इलेक्ट्रोड से इस जो कैथोड से एनोड की तरफ जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इसका मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यानी कि इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। क्योंकि नेगेटिव चार्ज है इसीलिए वो क्या कर रहा है? पॉजिटिव चार्ज की तरफ प्रवाहित हो रही है। इससे क्या पता लगाया कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। ये जो इलेक्ट्रोड यानी कि इस कैथोड से जो किरण निकल रही थी, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हो रही थी, उनको जे.जे. थॉमसन ने नाम दिया कैथोड किरण, कैथोड रे या कैथोड किरण इनको नाम दे दिया। अब अपन पढ़ेंगे कि कैथोड किरणों की विशेषताएं क्या होती हैं, यानी कि कैथोड किरणों की विशेषता क्या होती हैं। तो कैथोड किरणों की विशेषता क्या होती है बच्चों? कैथोड किरणें जो होती हैं ये कैथोड यानी कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाती हैं। तो इनकी पहली विशेषता ये हो गई कि यह कैथोड से एनोड की तरफ गति करती हैं। इनकी दूसरी विशेषता है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को हटा लिया जाता है तो ये क्या करती हैं? सीधी डायरेक्शन में गमन करने लग जाती हैं, यानी कि सीधी दिशा में गति करती हैं। बट अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया जाता है
तो ये क्या कर रहे हैं कि कैथोड से निकलकर और क्या कर रही है, देखो पॉजिटिव साइड की तरफ जा रही है, पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रही है, यानी कि इनके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है, इसलिए कैथोड जो किरणें होती हैं ये नेगेटिव चार्ज रखती हैं, क्योंकि कैथोड किरणें क्या कर रही हैं, नेगेटिव से किधर जा रही हैं, पॉजिटिव की तरफ। यानी कि अपन कहते हैं पॉजिटिव और पॉजिटिव सेम चार्ज हो गए, यानी कि नेगेटिव और नेगेटिव समान चार्ज है, तो ये क्या करते हैं आपस में प्रतिकर्षण करते हैं। परंतु अगर अपन कहें कि अपोजिट चार्ज यानी कि प्लस और माइनस ये क्या करते हैं आकर्षण करते हैं, तो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करेंगे अट्रैक्ट होंगे, ये ही कैथोड जो है ये क्या है नेगेटिव है, ये किसकी साइड जाएगा पॉजिटिव की साइड गमन करेंगे। तो कैथोड रेज जो होती है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में ये क्या करती हैं पॉजिटिव साइड चले जाती हैं। इससे क्या पता लगा, इससे लगा कि जो कैथोड रे जो होती हैं उनके ऊपर कौन सा चार्ज है नेगेटिव चार्ज यानी कि ऋणावेश पाया जाता है। ये जो कैथोड रे होती हैं ये क्या करती हैं हीटिंग इफेक्ट शो करती हैं। हीटिंग इफेक्ट का मतलब है अगर कैथोड किरणें गमन कर रही हैं और बीच में किसी मेटल को रख दिया जाए यानी कि किसी भी धातु को रख दिया जाए तो ये क्या करती है धातु गर्म हो जाएगा, इसलिए कहते हैं कि कैथोड जो किरणें होंगी ये क्या करेंगी हीटिंग इफेक्ट शो करेंगी। कैथोड किरणें जो होती हैं ये एक सीधी डायरेक्शन में गमन करती हैं, तो सीधी डायरेक्शन में गति करती हैं, इसके लिए क्या किया कि एक कैथोड रे जहां से जा रही है तो इस ट्यूब के अंदर एक ऑब्जेक्ट रख दिया। ऑब्जेक्ट क्या है ठोस पदार्थ होता है, उसको क्या किया इन कैथोड रेज के बीच में रख दिया और उसके बाद में इसको जस्ट देखो अपोजिट साइड पे इसका शैडो बन रहा है यानी कि इसकी छाया बन रही है। ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी छाया अपन को इसके जस्ट पीछे दिखाई दे रही है, तो ये जो कैथोड किरणें हैं ये क्या है सीधी डायरेक्शन में गति कर रही है। ये जो डायग्राम है ये मैंने एक में ही बना दिए हैं दोनों, ये अलग अलग डायग्राम है। ये जो कैथोड किरणें हैं ये बताती हैं कि ये क्या है मटेरियल पार्टिकल्स की बनी होती हैं यानी कि द्रव्यमान कणों की बनी होती हैं। द्रव्यमान कणों की बनी होती हैं ये कैसे पता लगाया कि जैसे ही इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर एक क्या रखा लाइट पेंडल व्हील रखा यानी कि कोई हल्का पंखे टाइप का रखा, जो क्या हुआ जैसे ही कैथोड किरणें गति की तो यह घूमना चालू कर दिया। इससे यह पता चला कि जो कैथोड किरणें होती हैं ये क्या होती हैं द्रव्यमान कणों की बनी होती हैं, यानी कि ये जो द्रव्यमान कण होते हैं सीधी दिशा में सीधी दिशा में गमन कर रही हैं। इससे कैसे पता चला कि कैथोड किरणों के बीच में क्या रखा एक ऑब्जेक्ट रख दिया और उसकी छाया अपन को इसके जस्ट पीछे दिखाई दी। दूसरा अपन ने को पता चला कि द्रव्यमान कणों की बनी होती है कि ये जो कैथोड रेज है ये क्या कर रही है अगर इनके बीच में ये रख दिया जाता है क्या पेंडल रखा तो ये गति करने लग जाता है। इससे अपन को पता चला कि ये द्रव्यमान कणों की बनी होती है। नेक्स्ट विशेषता है कि जो कैथोड रेज जो होती है उनको जब निकाला गया, कैथोड रेज जो है वो विसर्जन ट्यूब से जा रहे थे तो यहाँ पे क्या किया एक परपोर्टेड क्या लिया एनोड लिया यानी कि छिद्रित क्या लिया छिद्रित एनोड लिया, यहाँ पे एक होल कर दिया यानी कि एनोड पे क्या कर दिया होल कर दिया छिद्र बना दिया। तो ये जो कैथोड रे जो आ रही थी ये क्या किया इस होल के अंदर से जाके और यहाँ पे टकराई, कहाँ पे टकराई यहाँ पे पीछे टकराई और यहाँ पे क्या था ZnS जिंक सल्फाइड का क्या बना था लेयर लगी हुई थी, यानी कि ये जो है ये जिंक सल्फाइड की लेयर लगी हुई है। ये जिंक सल्फाइड होता है ये फ्लोरोसेंट होता है यानी कि स्फुर दीप्ति पदार्थ होता है। स्फुर दीप्ति पदार्थ या फ्लोरोसेंट क्या होते हैं ये होते हैं पदार्थ जिन पे अगर लाइट डाली जाए तो यहाँ पे क्या होती है ग्लो उत्पन्न होता है यानी कि चमक उत्पन्न होती है।
तो जैसे ही इन कैथोड किरणों को इस परफोरेटेड एनोड से निकाला गया, यानी कि छिद्रित एनोड से निकाला गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, ग्लो उत्पन्न हुआ, चमक उत्पन्न हुई। इसलिए ये क्या है, कैथोड किरणें। यहाँ पे पता चल गया कि इधर से क्या आ रही है, कैथोड किरणें आ रही। कैथोड किरणों को अपन देख नहीं सकते, बट जब इन जिंक सल्फाइड की परत पे ये जाके दिखाई दी तो इनकी चमक को भी देखा जा सकता था। नेक्स्ट क्या बता सकते हैं कि कैथोड जो किरणें हैं ये क्या है, जैसे भारी धातु होती है, जैसे भारी धातु टंगस्टन हुआ या फिर और भारी धातु एल्यूमिनियम वगैरह होते हैं, तो अगर उनपे कैथोड किरणें डाली जाती हैं तो ये जो कैथोड किरणें होती हैं ये एक्स रे जो किरणें हैं उसमें परिवर्तित हो जाती हैं। यानी कि कैथोड किरणों को जब किसी भारी धातु पे प्रवाहित करवाया जाता है तो ये क्या करती हैं, एक्स किरणों को यानी कि एक्स रे उत्पन्न करती हैं। तो एक्स रे उत्पन्न हुई कब, जब किसी भी कैथोड किरण को भारी धातु से टकराया गया। अब देखो कैथोड किरणें जो होती हैं गैस को भी क्या कर देती हैं, आयनित कर देती हैं, और जो कैथोड किरणें होती हैं ये फोटोग्राफिक प्लेट को भी क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। यानी कि जो गैस है ये भी आयनित हो जाता है और फोटोग्राफिक प्लेट को भी प्रभावित करती हैं। अब देखिए कैथोड जो किरणें होती हैं उनकी जो प्रकृति होती है, यानी कि कैथोड रेज की जो प्रकृति होती है वो इस इलेक्ट्रोड यानी कि इनके इलेक्ट्रोड और गैस की प्रकृति पे कोई डिपेंड नहीं करती। यानी कि कैथोड जो किरणें होती हैं उनकी उनकी प्रकृति इस इलेक्ट्रोड और गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है। अब ये हुई इनकी कैथोड किरणों की विशेषताएं। तो कैथोड किरणों की विशेषताएं क्या क्या है बच्चों, एक बार देखिए, कैथोड किरणें सीधी दिशा में गमन करती हैं, यानी कि जब इन पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया जाता है। जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया जाता है तो ये क्या करती हैं, पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाती हैं। पॉजिटिव प्लेट की तरफ क्यों जाती हैं, क्योंकि पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव और पॉजिटिव में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है, इसलिए नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाती हैं। बीच में जब कैथोड रेज के बीच में एक ऑब्जेक्ट रख दिया जाता है तो इसकी क्या बनती है, शैडो बनती है, यानी कि छाया बनती है। तो अपन कह सकते हैं कि कैथोड रे क्या होती हैं, सीधी डायरेक्शन में गति करती हैं। जब कैथोड रे के बीच में ये लाइट पेंडुल लगा दिया जाता है, यानी कि एक छोटा पंखे नुमा एक जो संरचना लगा दी जाती है, तो ये क्या होता है, गति करने लग जाता है। इससे अपन कह सकते हैं कि ये क्या है, द्रव्यमान कणों का बना होता है, और इससे कैथोड रे यांत्रिक प्रभाव भी क्या करती हैं, शो करती हैं, यानी कि यांत्रिक प्रभाव भी क्या करती हैं, दिखाती हैं। अब जो कैथोड रे हैं वो अगर अपन छिद्रित एनोड से गुजारते हैं तो क्या होता है, जेड एन एस की जो परत होती है उस पे टकराती हैं और क्या करती हैं, चमक उत्पन्न करती हैं। नेक्स्ट क्या विशेषता थी कि ये जो कैथोड किरणों को अगर भारी धातु पे क्या किया जाता है, गुजारा जाता है, यानी कि भारी धातु पे इनको डाला जाता है, तो एक्स किरणें क्या होती हैं, उत्पन्न होती हैं। कैथोड किरणें जो होती हैं इनकी पेनिट्रेशन पावर भी होती है, यानी कि भेदन क्षमता भी होती है। भेदन क्षमता क्या होती है, भेदन क्षमता होती है कि जैसे किसी भी धातु के ऊपर अगर कैथोड रे को डाल रहे हैं तो उसको भेद के क्या किया जाएगी, अलग से निकल जाएगी, यानी कि इसको भेद कर बाहर निकल जाएगी। तो जब कैथोड रेज को एल्यूमिनियम जैसी धातु पे अगर अपन डालते हैं तो ये क्या करती है, भेदन क्षमता यानी कि पेनिट्रेशन पावर भी शो करती है। ये हुई बच्चों इस कैथोड रेज की विशेषताएं, और ये हुआ इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे की थी, जे.जे. थॉमसन ने, फैराडे ने और विलियम ब्रुक्स ने इलेक्ट्रॉन की खोज की, और कैथोड रेज की विशेषताएं बताई।